जिस तरह से इस्लामिक जिहाद बढ़ता जा रहा है, यह चिंता का विषय है, क्योंकि कानून के दायरे में सबको रहना चाहिए। संविधान से बड़ा कुछ कोई नहीं है, और जो भी है सब संविधान के दायरे में रहें। लेकिन देखा यह जा रहा है, जिस तरह नूपुर शर्मा के बयान को लेकर, नूपुर शर्मा देश की बेटी है और उसने जो कहा सही कहा, लेकिन जब लोगों ने इतराज व्यक्त किया तो उसने क्षमा भी मांग लिया। अगर कोई देश की बेटी अगर कुछ कह दिया, अगर क्षमा मांग लेती है, तो उस पर वहीं से बात खत्म हो जानी चाहिए। क्या चाहते हैं कि लोग उसको फांसी हो जाए? जब उसने क्षमा मांग लिया तो उसका अपराध खत्म हो गया, और उसने वो बात कही जो मुसलमानों के हदीस में लिखी है। अगर हदीस में बात गलत लिखी है तो इसका मतलब इस्लाम गलत है, और अगर बुरा लगता है तो वहां से वो बात हटा देनी चाहिए। हदीस को तो कोई हिंदुओं ने नहीं लिखा ना, वो तो मुसलमानों का ग्रंथ है। इसलिए नूपुर शर्मा के बयान को लेकर के जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, मैं आज ये चेतावनी भी दे रहा हूं कि 15% के जो लोग हैं वो ये न समझें कि 85% के लोग कमजोर हैं। हम लोग कमजोर नहीं हैं, हम लोग संवैधानिक हैं, मानवतावादी हैं, और हम लोग हमेशा जो है लोगों को मिला के चलने वाले हैं। लेकिन हद तो तब हो गई कि नूपुर शर्मा के बयान को लेकर के कोई जो है उसका गर्दन काटने के लिए जो है इनाम घोषित कर रहा है। इन बेशर्मों को ये नहीं पता है कि भारतीय संस्कृति में माताओं बहनों और बेटियों का सम्मान भगवान से भी बड़ा है, और जिसको माताओं बहनों और बेटियों का सम्मान करना नहीं आता वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ आतंकवाद है। हमारे संस्कृति में भगवान से भी बड़ा स्थान माताओं बहनों और बेटियों का है, और इस्लाम में माताओं बहनों बेटियों को जानवर से भी ज्यादा उनको जो है बेइज्जत किया जाता है। अभी तक 3 तलाक से महिलाएं पीड़ित थीं, और आज भी इस्लाम में जो है हलाला होता है। हलाला माने बलात्कार, ससुर हलाला करता है बहू के साथ में, परिवार के लोग हलाला करते हैं, मौलवी हलाला करता है। हलाला माने बलात्कार होता है, जिसको अपना वो मजहब मानते हैं, वो अपना शरिया कानून मानते हैं। यह अत्याचार है, और देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ है। मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया है, जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को मार दिया गया या जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। बचे खुचे जो 1% है वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और यहाँ जितने मुसलमान हैं ये उसी तरह से रहेंगे जिस तरह से हमारे हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं मांग करता हूँ, और स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन से मैं आग्रह करता हूँ कि कानून के दायरे में सबको रखें, चाहे कोई भी हो। कानून से बड़ा कोई नहीं। अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो चाहे एक व्यक्ति हो चाहे 1 करोड़ हो, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं ये भी डिमांड करता हूँ कि एक अलग से ये कानून बनाए कि जो भी कानून हाथ में ले, पुलिस को सेना को खुली छूट हो गोली मारने की, चाहे वो 1 करोड़ पत्थरबाज हो जिहादी, चाहे 1 व्यक्ति हो। और उसका बचाव करने के लिए जिसका एक सर्किल ऐसा है कि कोई कानूनी सहायता दे रहा है, कोई जो है डिबेट में बैठ करके उनका बता रहा है कि मासूम है, माने बचाने कोई फंडिंग कर रहा है, कोई उकसा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान ये संविधान से चलेगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और जो भी कानून को हाथ में ले रहे हैं इनको कानून के दायरे में लाया जाए। और नहीं, जिस दिन हम 85% अगर खड़े हो गए तो उस दिन भारत इस्लाम मुक्त हो जाएगा। ये हमारी चेतावनी भी है। हम लोग पत्थर नहीं खाएंगे। यहाँ पुलिस को पत्थर मारा जा रहा है, अधिकारियों को पत्थर मारा जा रहा है। मैं मानता हूं अगर किसी ने गलत भी बोला है तो उसके खिलाफ आप विधिक कार्रवाई करा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोलने वाला अगर हिंदू है तो पूरे देश के हिंदुओं को पत्थर मारोगे, पूरे देश के हिंदुओं को तुम प्रताड़ित करोगे। ये कहां का न्याय है? भारत देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि जो कानून को हाथ में लेते हैं उनको कानून के दायरे में ले आया जाए। कई राजनीतिक संगठनों के द्वारा भी आ रहा है नाम कि उनके द्वारा उकसाया गया, तो पुष्टिकरण की राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो देश जलाने वाले को भड़का रहे हैं तो वह भी उतने अपराधी हैं जितने पत्थरबाज हैं। उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। और आज हमारा ये जो कार्यक्रम है वह नूपुर शर्मा के जीवन रक्षा के लिए है, देश रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए है। जय श्री राम।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।